बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। गुरु के लिए क्या क्या गया, ये सब गुरु के लिए, गुरुओं के चरण में तमाम वंदनाएं हैं। हमेशा अपने गुरु के प्रति आभार रहे, अपने गुरु के प्रति समर्पण रहे। तो समर्पण से क्या होगा, विकल्प नहीं बचेगा, और जब विकल्प नहीं बचेगा तो क्या होगा, गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। बिना समर्पण के गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती। गुरु कृपा करता नहीं, देता नहीं, गुरु से कृपा छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। समर्पण किया हो, कृपा लूट ली है। तो बिना विकल्प के किया गया जो समर्पण है, वह आपको अनंत की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो हर चीज को समझ के करना है। वो कहा गया ना कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बगैर गुरु की कृपा के मोक्ष नहीं है। तो सभी लोग, आप लोग इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हमारे समर्पण से अपने गुरु के प्रति शरीर में तमाम प्रकार के जो अशुद्ध रस हैं उनका नाश होता है और पवित्रता की अधिकता होती है। धीरे धीरे पवित्र होते होते एक दिन ऐसा आता है कि जब आप पावन हो जाते हैं। पावन का अर्थ दोबारा से अपवित्र नहीं होते, ऐसे करते। हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। सबसे बड़ा संकट आज जो विश्व पे है, सबसे बड़ा संकट, वो एकमात्र संकट है जो सारे संकटों को दावत देता है, और वह संकट है पितृदोष। पितरों को मुक्ति ना मिलना, ये संकट सबसे बड़ा पूरे विश्व में है। आप भी संकट में थे जब तक पितरों की मुक्ति आपकी नहीं हुई थी। संकट से आप तभी बाहर आते हैं, समस्याओं से आप तभी बाहर आते हैं जब आप के पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये आप सभी ने अनुभव किया। हाँ, अभी सब लोग हाथ उठा के बताएंगे किसने अनुभव किया कि पितरों की मुक्ति के बाद ही संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। देखिए, सबका यही अनुभव है कि पितरों की मुक्ति के बाद ही सारे संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते, ना संकट जाते और ना ही कोई ध्यान साधना पूजा पाठ हो पाती, कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति आवश्यक। तो दरबार ने आपको इस लायक बनाया, बाबा माँ ने इस लायक बनाया, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या ने इस लायक बनाया कि आप अपनी जप तप साधना अनुष्ठान तप
ध्यान साधना सब कर सके निर्बाध रूप से, कोई बाधा न उत्पन्न हो और सारे पुण्य आपके पास इकट्ठे होते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और एक विराट भंडार आपके पास पुण्य का हो, हम भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ कर पाएं, ऐसा पुण्य हो। अभी आप मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए हैं, उनकी सोचो जो चौथा लेवल की दीक्षा लेके घूम रहे हैं कि पांचवी कब मिलेगी तंत्र दीक्षा, खूब विराट ऊर्जा का भंडार लेके घूम रहे हैं, है ना। तो अभी तो उनको अभी ये नहीं दी गई है शक्ति कि कुछ गड़बड़ कर सके, नहीं तो अभी कुछ गड़बड़े कर डालेंगे तो ना विराट ऊर्जा लिए घूम रहे, ट्रक लिए घूम रहे, पता नहीं किस पे चढ़ा दें। तो उनसे कहा जा रहा है भैया ट्रक खड़ा रहे ना तो पैदल है पैदल चलो, ट्रक तुम्हारा ही है, फिर आराम से दौड़ाना इसको। तो बहुत सुंदर है पथ पर आप, पथ पर आपने पहला कदम आज रखा है, वाकई में आप सभी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं जो आपको परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद मिला है, उनका साथ मिला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे गुरुदेव का आपको साथ मिला है जो पूर्ण है, जो आपको हर क्षण आपको अनुभव कराते हैं अपनी पूर्णता का, दिव्यता का आपको अनुभव कराते हैं, आप अनुभव करते हैं, इसलिए आप हृदय से जुड़ पाते हैं। यहाँ बैठे इतने लोग हैं, जब भी आपने बाबा को पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, तो निश्चित रूप से बाबा माँ आपको अनुभव हुए होंगे कि बाबा माँ ने हमारे बिगड़े काम संवारे और बाबा माँ ने हमारी सुनी। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं, देखिए सभी लोग, जिसने सुमिरा बाबा माँ को, बाबा माँ ने तुरंत उनको अनुभव कराया कि हम बेटा हैं आपके साथ में हैं। तो बाबा माँ हमेशा हमेशा के लिए आप सबके साथ में सर्वत्र हैं, सर्वत्र।